हेलो एंड नमस्कार आई एम प्रभु चावला टुडे वी हैवी एक्सप्रेशन सेशन विद डॉक्टर निशंक द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वी ही स्पीकिंग टू अस आफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन एंड इम्प्लीमेंटेड व्हाट्स आर इम्प्लीकेशन हाउ इट इट हेल्प टू मेक इनटू न्यू इंडिया एंड एन आत्मनिर्भर इंडिया मंत्री जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल ये है कि इसको 34 साल बनाने में क्यों लगे आपने सबसे डिस्कस किया होगा इसमें सबसे अहम बातें स्कूल एजुकेशन के लिए क्या है मिडिल एजुकेशन के लिए क्या है और हायर एजुकेशन के लिए क्या है प्रभु जी आपने सबसे पहले तो सवाल यही किया कि चौंतीस साल क्यों लग गए इस शिक्षा नीति को आने में सच तो ये है कि इसको चौंतीस साल ने देश की आज़ादी की बात पहली भारतीय शिक्षा नीति है जो भारत केंद्रित है और जो अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी बात करके विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाती है वो पहले भारत की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन उनका नेतृत्व और उनके लगातार मिले मार्गदर्शन के बाद आई ये शिक्षा नीति है आपने कहा कि आ, क्या इस पे परामर्श हुआ है व्यापक परामर्श शायद दुनिया की ये पहली नीति होगी जिस पे इतना व्यापक परामर्श हुआ कोई सोच सकता है कि ढाई लाख ग्राम समितियों तक हम लोग गए होंगे परामर्श के लिए कोई सोच सकता है कि 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं इस देश में इस देश में आप देखेंगे तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं 45000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं एक करोड़ नौ लाख से भी अधिक अध्यापक हैं पंद्रह लाख से अधिक स्कूल हैं और यदि तैतीस करोड़ जो छात्र छात्रा हैं वो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं उन तैंतीस करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से संवाद सीधा संवाद एक हज़ार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सीधा संवाद पैंतालीस हज़ार डिग्री कॉलेजों से सीधा संवाद राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से लगातार संवाद राज्यों के शिक्षा सचिव शिक्षा निदेशकों से लगातार संवाद शिक्षकों से शिक्षाविदों से वैज्ञानिकों से समाजशास्त्रियों से जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर व्यापक परामर्श हुआ है और उसके बावजूद भी जो मसौदा तैयार हुआ उस मसौदे को भी आ, पब्लिक डोमेन में डाल करके उससे सुझावों को आमंत्रित किया गया जिसमें सवा दो लाख से भी अधिक सुझाव आए और उसके लिए बीस बीस कमेटी विशेषज्ञों की बना करके एक 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 सुझाव का विश्लेषण करने के बाद ये जो अमृत निकला है ये है नई शिक्षा नीति ये जो नई शिक्षा नीति है जो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के निर्माण की बात की ऐसा भारत हो स्वच्छ भारत हो स्वस्थ भारत हो सशक्त भारत हो समृद्ध भारत हो आत्मनिर्भर भारत हो श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो उस नए भारत की आधारशिला बनेगी ये नई शिक्षा नीति और निश्चित रूप में मुझे भरोसा है कि ये पूरी दुनिया में ये ज्ञान आधारित तो महाशक्ति के रूप में भारत में को स्थापित करेगी और इसलिए देश की आज़ादी के बाद भारत की ये बहुत खूबसूरत शिक्षा नीति आई है जिसके पूरे देश ने कोने कोने में बहुत व्यापक स्वागत किया है लोगों के मन में बात उठ रही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है एजुकेशन का एक भारत एक शिक्षा प्रणाली ये जैसे आप एक राशन करते हैं एक नेशन करते हैं एक टैक्स करते हैं तो भारत की शिक्षा का भारतीयकरण यानी कि सारे देश के भारतीय एक ही तरह की शिक्षा पढ़ें अपनी भाषा में पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें क्या इस नीति से भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण होगा या नहीं होगा देखिए मैंने कहा ना कि ये भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत केंद्रित है और आप कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा नीति की अपनी खूबसूरती है पूरा देश ये देश विविधता में भी एकता का देश है हमारी जो भाषा की आप चर्चा कर रहे हैं हमारी भाषाएं भारत की बाईस भाषाएं तो अनुसूची आठ में हैं तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ गुजराती मराठी आप उर्दू हिंदी संस्कृत सहित पंजाबी और उड़िया सहित 22 भारतीय भाषाएं हैं इन 22 भारतीय भाषाओं के अंदर बहुत खूबसूरती है बहुत ताकत है बहुत ज्ञान है विज्ञान है उन 22 की 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करके ये जो मातृभाषा में हम प्रारंभिक शिक्षा लाए हैं ये यूनेस्को ने भी कहा था गांधी जी ने भी कहा था ये वैज्ञानिकों ने भी कहा है ये विशेषज्ञों ने भी कहा है कि अपनी तभी बच्चे का बहुत तेज़ी से विकास हो सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में वो सीखता है प्रारंभिक जो उसका शिक्षा है और इसीलिए हम पाँचवीं तक इसको मातृभाषा में लाए हैं कोई राज्य आठवीं तक उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में उसको ले जाना चाहेगा तो उसको ले जा सकता है और इस बात की बहुत खुशी है लोगों में बहुत खुशी है कि ये जो निर्णय है ये उस भारत की अपनी उसकी राज्य की अपनी भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उस राज्य की जो मातृभाषा है क्षेत्रीय भाषा है उसकी उसको और प्रोत्साहन देने के लिए उसको और आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे का समग्र विकास करने के लिए यह जो कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इससे पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है एक सवाल और भी उठता है कि 6 परसेंट की बात बार बार हो रही है 6 परसेंट जी का भारतीय शिक्षा पर खर्च होगा 1968 के अंदर भी यही बात की गई थी 1986 के अंदर भी ये बात की गई थी और 2020 में भी की गई आज हम चार प्रतिशत के लगभग खर्च कर रहे हैं ये पैसा कहाँ से आएगा कैसे आएगा देखिए बात सही है आ, कि चाहे वो अड़सठ हो छियासी हो बयानबे हो चाहे वो 2020 हो लेकिन कितना खर्च किया यदि उन्होंने छः प्रतिशत बोला तो कितना हुआ अब जाकर के तो बहुत तेज़ी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है चार दशमलव तीन के करीब भी अब जा के आए हैं हम पहले क्या था और इसलिए हमने छः प्रतिशत तक बोला है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और जो सतत विकास का लक्ष्य है जो यूनेस्को का सतत विकास का लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त करेंगे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस मिशन में जब जुटेंगे तो निश्चित हम भारत की शिक्षा को उदयमान शिक्षा के रूप में ला के और विश्व की ज्ञान के महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे हम राज्य और हम मिलकर के इस अभियान को शुरू करेंगे बच्चों की मांग है आपने पढ़ा होगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं अपनी अपनी नीति अपना रहे हैं क्यों नहीं आप इस साल कोविड की वजह से नीत और बाकी जी एग्ज़ामिनेशन कम्पिटिशन हैं उनको पोस्टपोन कैंसिल क्यों नहीं करते कुछ दिनों के लिए क्योंकि समय नहीं मिला कोचिंग सेंटर नहीं की ऐसी कोई प्रणाली है जिसके अनुसार काफ़ी एग्जाम आपने पोस्टपोन किए हैं यूनिवर्सिटीज़ भी बार बार उसको कह रही है हम नहीं पोस्टपोन करेंगे मेरा सवाल ये है कि जी और नीट पोस्टपोन करने के अंदर किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं देखिए जहाँ तक अभी आपने नीट और जे की परीक्षा की बात की है और आपने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय भी अपनी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं विश्वविद्यालय कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा है लेकिन हाँ विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि ये जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उस अंतिम वर्ष की जो फाइनल परीक्षा है फाइनल उस फाइनल परीक्षा को जरूर वो किसी रूप में भी ले वो ऑनलाइन ले, ले वो लाइन ले, ले। वो वो ओपन बुक एग्जाम ले उसको फ्री छूट दी है विश्वविद्यालय अलग अलग परिस्थितियों में हिमालय के क्षेत्र में कोई होगा तो कोई दूसरे क्षेत्र में होगा अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय अपने निर्णय लेते हैं लेकिन हाँ ये जो फाइनल परीक्षा इसलिए ये निर्णय लिया यू ने क्योंकि कल की दिनांक में कोई ये ना बोले कि ये कोविडधारी है और बिना परीक्षा के इसको डिग्री मिली हुई है ये वर्ष तो चला जाएगा कोविड का समय तो चला जाएगा लेकिन उसके आजीवन पर वो जो ठप्पा लगेगा हम नहीं चाहते हैं कि छात्र के जीवन में इस तरीके का कुछ आए कि वो कोविडधारी कहलाए और उसको कहीं भी जा करके उसका रास्ता वो बंद करे वो हम नहीं कर सकते उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते इसलिए हमने कई बार बढ़ाया समय बढ़ा रहे हैं तमाम जो भी छात्र को सुविधाएं मिल सकती हैं जैसे भी वो कर सकता है उस तरीके से केवल फाइनल ईयर के लिए शेष की तो हमने व्यवस्था की और जहां तक जे और नीट का विषय है अभी आपने कहा है अभी मैं देख रहा था कि पहले परीक्षा की तिथियाँ उन उन्नीस से तेईस जुलाई 2020 में जे ई मेन्स की हमने की थी अब उसको संशोधित करके एक से छः सितंबर कर दिया अब जेई एडवांस में 23 अगस्त को होना था इन परिस्थितियों में फिर निर्णय लिया जिसको 27 सितंबर किया है और जो नीट है नीट की परीक्षा 26 जुलाई को निश्चित थी इसको भी जुलाई के बाद अगस्त अगस्त से भी आगे 13 सितंबर तक कर दिया और इसलिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उस छात्र के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएँ हैं उन छात्रों के साथ अभी आपने कहा कि वो बाहर नहीं निकल सकता कोचिंग सेंटर उसके नहीं है इसमें भी हम छात्र के साथ ताकत के साथ खड़े हुए आपको मालूम होगा और आपको खुशी भी होगी कि हमने ऐसी परिस्थिति में एक ऐप निकाला नेशनल टेस्टिंग ऐप ऐसा ऐप दिया जो उनके घर पर ही जा कर के कोचिंग सेंटर हो गया उसमें सभी प्रकार की उनको सामग्री दी उनको अपना टेस्ट लेने का भी उसमें आ, मौका दिया और आपको आश्चर्य होगा कि लाखों लाखों बच्चों ने उस पर उसका उपयोग कर रहे हैं अपना टेस्ट स्वयं ले रहे हैं ताकि वो पूरी तरीके से ताकत के साथ खड़े हो सकें और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दिया और हमने कहा था कि जो अन्य प्रदेश अपनी भाषाओं में भी करना चाहते हैं वो अपनी भाषाओं में भी उसको कर सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ हम तो चट्टान की तरह छात्र के साथ साथ है उसका मनोबल हमने कहीं गिरने नहीं दिया है लेकिन हाँ जेई नीट आ, की परीक्षाएँ उसके जीवन और भविष्य से जुड़ी हैं और ये समय जैसे जैसे अनुरूप आएगा मुझे लगता है कि हम उसकी सुरक्षा के साथ भी हैं और उसकी शिक्षा के साथ भी हैं हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा है उसके बाद उसकी शिक्षा है और ये दोनों ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए और इसलिए हम उसका समय भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसका स्वास्थ्य की भी हम चिंता करें इसलिए हम गृह मंत्रालय से और हम स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार परामर्श के बाद कोई अगला निर्णय लेते हैं आपने काफ़ी परिवर्तन किए हैं इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं चौंतीस साल के बाद एक अच्छी नीति सरकार ने हमारे सामने रखी है उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपने कहा फाइव प्लस, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर जब एग्जाम नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनको जैसे सर्टिफिकेट दे दीजिए एक साल का जो ग्रेजुएशन किया है किसी ने दो साल किया है उसको डिप्लोमा दे दीजिए जो आपका प्रावधान है बच्चों को अभी से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते थे? उसके अंदर क्या कठिनाई है कि इसी साल से आप नीति डिग्री लेवल पर हायर एजुकेशन लेवल पर लागू कर दीजिए आपने प्रभु जी कई सवालों को इसमें जोर दिया है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरा आमूल चूल काफ़ी परिवर्तन हुआ है और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जो इस देश को जरूरत थी फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस, प्लस, प्लस फोर ये पहली बार हमने दिया है और ऐसा नहीं कि टेन प्लस टू कर दिया और ख़त्म हो गए शुरू से लेकर के और दस तक कोई आ, सब एक ही आ, आ, पद्धति से चल रहा है एक ही तरीके से जो है शिक्षा दी जा रही नहीं छात्र को उसकी आयु के साथ उसकी ईज के साथ और उसके शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जोड़ा है हमने और इसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा और हमने जो बेसिक शिक्षा में परिवर्तन किए हैं वो बच्चा अपना पूरी तरीके से मूल्यांकन करेगा 360 डिग्री होलिस्टिक को अपना मूल्यांकन करेगा वो वो स्वयं का मूल्यांकन करेगा वो उसके अभिभावक उसका मूल्यांकन करेंगे अध्यापक मूल्यांकन करेगा उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा तो उसको समग्र मूल्यांकन करेगा और अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा अब ऐसा नहीं कि उसको वो जैसे लिखते थे हंका ये रिपोर्ट कार्ड है अब उसको प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा कितने प्रोग्रेस कर रहा है वो कहाँ पर था कहाँ गया है कहाँ पहुँचा है उसका रास्ता उसको भी बहुत आनंद आएगा अनुभूति होगी और उच्च शिक्षा में जिसको आप कह रहे हैं कि बिना जो है एक साल में भी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा दो साल में डिप्लोमा मिल जाएगा यह हमने किया क्योंकि यदि कोई छात्र मानो एम कर रहा है बी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है और दो साल के बाद उसकी ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं जब वो पढ़ाई से छूट रहा है वो नहीं कर पा रहा है तो वो दो साल उसके बर्बाद हो जाते थे और यदि दोबारा एक साल बाद वो लौटना चाहता है तो वो वहाँ से वो शुरू भी नहीं कर सकता था तो उसके साथ अन्याय था उसकी योग्यता के साथ अन्याय था उसके वक्त के साथ अन्याय था उसकी मेहनत के साथ अन्याय था इसलिए हम लोग बिल्कुल नई व्यवस्था लेके आए इसीलिए तो छात्र आज महसूस हो रहा है बल्कि जब पुराने लोग मिल रहे हैं वो कहते हैं हमको तो जैलसी हो रही है पहले क्यों नहीं शिक्षा नीति आई थी अब अब यदि वो दो साल में ऐसी प्रसिद्धि व छोड़ना चाहता है कि उसको इजाज़त नहीं मिल पा रही कि वो आगे पढ़ पाए तो दो साल भी उसके खराब नहीं होंगे यदि एक साल में छोड़ना चाहता है तो एक साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यदि दो साल में वो छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और तीन साल में छोड़ना ही चाहेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी और उसके लिए एक डीजी डिजिटल लॉकर सुनिश्चित किया है और उसका क्रेडिट बैंक बनाया है जितना उसका क्रेडिट है उसके बैंक में होगा और वो चाहे तो दोबारा भी आ कर के वो अपने क्रेडिट के हिसाब से वहीं से अपनी शिक्षा आगे शुरू कर सकता है और डिजी लॉकर्स में उसके संपूर्ण ये जो बैंक है वो जमा है उसकी क्रेडिट जो बैंक बनेगा और वो कहीं भी जा सकता है उसके प्रमाण पत्र को उसको प्रमाणित करने की किसी को ज़रूरत नहीं ना भटकने की जरूरत नहीं उसको जैसे अपने बैंक से पैसा लेता है वैसे अपने सर्टिफिकेट लेगा और देगा कि ये मेरे सर्टिफिकेट है ये प्रमाणिक सर्टिफिकेट है और सभी प्रकार के सर्टिफिकेट अंक तालिका उसको उसके बैंक में होगा और इसलिए उसकी सुविधा के लिए ये क्या है जहाँ तक आपने कहा कि क्यों नहीं लागू कर रहे हैं हमने कुछ चीज़ों को लागू कर दिया प्रभु जी हमने तो बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि इस मंथन के साथ साथ हम सोचते थे कि क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो बोलती है वो करती है जो सोचती है वो करके दिखाती है और इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही नीति के साथ साथ बोलते हुए विमर्श करते हुए इसको फाइनल करते हुए कस्तूरी रंगन जी स्वयं बहुत विख्यात वैज्ञानिक हैं पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण तमाम उपाधियों से अलंकृत हैं और उनकी अध्यक्षता में जिस तरीके से ये काम हुआ है बहुत गजब का काम हुआ है और इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ में लागू भी कर दिया और बहुत तेज़ी से हम इसको लागू करेंगे और इसके अलावा भी कोई परिवर्तन आप करने वाले हैं आपने एजुकेशन के अंदर पॉलिसी से हेल्थ एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन को बाहर निकाल दिया प्रोफेशनल एजुकेशन भी इसके अंदर आनी चाहिए थी नहीं आई पर एक गारंटी दीजिए कि भारत के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं नौ लाख नौ नौ बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हमारे विदेशी शिक्षा के ऊपर आपको लगता है कि नई नीति के अंतर्गत अगले कुछ सालों में अगली जनरेशन जो है विदेशों में जाना बंद कर देगी और वहाँ के लोग भारत के अंदर आना पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट एजुकेशनल बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बन जाएंगी निश्चित रूप में आप भरोसा रखिए और हम ये करेंगे आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ दिन पहले जब वो देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात कर रहे थे उनको बधाई दे रहे थे सभी देश के डिग्री कॉलेज पैंतालीस हज़ार से भी अधिक डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और अध्यापकों से बात कर रहे थे तब तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि में राजनैतिक इच्छा शक्ति भी है हमने जो सोचा है उसको हम करके दिखाएंगे तो उन्होंने कहा हम चट्टान की तरह आपके पीछे इसको लागू करिए तो पहली बात तो ये कि हम जो नई शिक्षा नीति जो ये शिक्षा नीति 2020 है अद्भुत है जिसमें आत्मविश्वास है लोगों को इनको पता है कि वो हम लागू करेंगे ही करेंगे आपने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य नहीं जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आयोग बनकर के उसकी दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि एम्स और मेडिकल कॉलेज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कितने बने हैं और अब जो आगे आने वाला समय है उसमें आ, हर लोकसभा तक कैसे करके एक महाविद्यालय हो सकता है मेडिकल का इस पर भी विचार विमर्श भी ही नहीं चल रहा है बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है तो मैं सोचता हूँ वहाँ ऐसा नहीं कि उसको छेड़ छोड़ दिया गया आ, वो तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जहाँ तक आपने कहा है कि हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं बात सही है और साढ़े सात से लेकर आठ लाख तक बच्चे जाते हैं और ये बात भी सही है कि एक लाख से डेढ़ लाख करोड़ तक निश्चित रूप से भारत का पैसा विदेशों में चला जाता है तो देश की प्रतिभा भी और देश का पैसा भी देश के काम नहीं आ पाता है वो फिर प्रतिभा उस देश के विकास में जुटी रहती है जहाँ वो जाती है और बहुत कम लोग वापस आते हैं अब ऐसा नहीं होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले ही आ, कुछ वर्ष पहले जो स्टडी इन इंडिया शुरू किया था हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं दुनिया के लोग आओ अब हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शिक्षा का आप आप भारत में शिक्षा ग्रहण करो और स्टे इन इंडिया भी हमने शुरू कर दिया इन छात्रों को जो बाहर जाते हैं अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत छलांग मारने वाली है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस देश में शिक्षा का जो व्यवस्था है जो उत्कृष्टता है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी में उस श्रेष्ठता को लेकर के जाएगी अभी आईओई में हमने ऐसे संस्थानों को जो विश्व रैंकिंग में बहुत तेज़ी से आगे आएंगे उनको शुरू किया हमारे विश्वविद्यालय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे तमाम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आगे बढ़ रहे हैं और हमने हमने जहाँ स्पार्क के तहत दुनिया के एक शीर्ष देशों के साथ पारस्परिक अभी अनुसंधान शुरू किया है वहीं स्ट्राइड में अंतर विषय शोध किया है हमने ज्ञान में विदेशी फैकल्टी को यहाँ बुलाया है लेकिन ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी विदेशों में जाएगी अभी हमने दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया है लेकिन वो जब यहाँ आएंगे तो वो हमारी शर्तों के साथ यहाँ पर आएंगे और हमारे भी विश्वविद्यालय दुनिया में जाएंगे अब हमारा ये छात्र बाहर जाएगा नहीं पढ़ने के लिए बल्कि अपनी धरती पर पढ़ाई करेगा यहाँ अपनी संभावनाओं को तलाशेगा उसकी प्रतिभा को हमने इसलिए आईआईटी में उद्योगों के साथ जोड़ करके नया पाठ्यक्रम तय किया है हमने छठवीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का सुनिश्चितीकरण किया है हम दुनिया का पहला देश होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्कूली शिक्षा से शुरू करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि यदि विश्व फलक पर भी आप देखेंगे तो अभी भी आशियान देशों के दस देशों के एक हज़ार से भी अधिक छात्र हमारे आई में शोध करने के लिए आ रहे हैं अब दुनिया का आकर्षण का केंद्र हो रहा है भारत और बहुत तेजी से बढ़ रहा है मुझे भरोसा है कि हम ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे और ये होता जा रहा है जो हमारा शोध अनुसंधान शोध के क्षेत्र में भी हमने एन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के स्थापना करके एक नई संस्कृति को पैदा कर रहे हैं तेजी से शोध और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे चौतरफा तरफा हमारा काम हो रहा है आप ये नहीं कह पाएंगे शायद कि नहीं नहीं इस देश में संभावनाएं है, कम हैं या उन संभावनाओं को अवसरों में तब्दील नहीं किया जा रहा है उन संभावनाओं को अवसरों में भी तब्दील किया जाता है चुनौतियों को भी अवसरों में हम लोग तब्दील कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बोला ही है कि जितने बड़ी चुनौती होती हैं उतने बड़े अवसर भी होते हैं उतनी बड़ी सफलताएं भी होती हैं और जो मेरा शिक्षा मंत्रालय है उन चुनौतियों का मुकाबला करके उनको अवसरों में तब्दील करने में रात दिन खपा हुआ है डॉक्टर साहब आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की है आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है आपने थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो नहरू जी के ज़माने चला आ रहा है आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसको लागू करने की एक बात कही अच्छी बात कही है पर उसमें कई कठिनाइयाँ आ सकती हैं उसका आपने अध्ययन ज़रूर किया होगा जैसे आंध्र प्रदेश में उन्होंने सारे इंग्लिश कर दिया प्रीमियम अपना मेडिक जो एजुकेशन है प्राइमरी में तमिलनाडु तो कहता है कि हम फ्री लैंग्वेज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका कारण वो लोग ये बताते हैं कि टीचरों की कमी है रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर इतने टीचर नहीं हैं जो सबको पढ़ा पाएंगे दिल्ली में तमिल वाले में पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे आंध्रा में हिंदी पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे देखिए हमने ये कहा है कि वो जो प्रदेश है उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो वहाँ पर आ, पढ़ाई करेगा और स्वभव ही है प्रदेश में जैसे हमारे यहाँ एन सी आर टी है वहाँ प्रदेश में एस सी आर टी है और स्वभाव ही है कि Next. कोई भी प्रदेश अपनी जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है जो उसकी अपनी भाषा है उसमें पढ़ाएगा पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा तभी वो भाषा भी जिंदी रहेगी और तभी उस प्रदेश की पहचान भी होगी तो ऐसा नहीं है प्रदेशों में पहले से भी ये व्यवस्था और जिन प्रदेशों में ये व्यवस्था थी और है क्या उस प्रदेश के बच्चे पीछे रह जाते हैं क्या ऐसा नहीं है और इसलिए व्यापक परामर्श के बाद ये विषय आया है और भाषा को किसी पर थोपने का विषय ही नहीं है किसी पर थोपा नहीं जाएगा लेकिन आप छात्र को फ्री छोड़िए ना वो कितनी भाषाओं को सीखना चाहता है आप एक एक पांचवी तक उसकी केवल एक मातृभाषा है और एक भारतीय और भाषा तमिल आ, आ, तमिल को इधर पंजाब क्यों नहीं पढ़ सकता उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पढ़ सकता मध्य प्रदेश क्यों नहीं पढ़ सकता तेलुगु को इधर महाराष्ट्र क्यों नहीं पढ़ सकता महाराष्ट्र को तेलुगु वाले क्यों नहीं पढ़ सकते ये ये जो देश एक देश है ये विविधता में एकता का है एक भारतीय भाषा किसी भी भाषा को लीजिए आप उदाहरण के लिए यदि तमिलनाडु है और आ, आ, बगल में कन्नड़ को लेता है या तेलुगु को लेता है तो एक अतिरिक्त तो उस बच्चे को एक अतिरिक्त तो भाषा मिल जाएगी अपनी मातृभाषा के साथ एक अतिरिक्त भाषा भारत की मिल जाएगी किसको भी विरोध हो सकता है इस दिशा में बच्चों को तो हमने तो उच्च शिक्षा से लेकर नीचे तक आज़ादी दी है वो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी इसलिए इसका व्यापक तौर से समर्थन हो रहा है जिस जिनने जिन्होंने भी थोड़ा सा जिनको शंका आशंका थी उनकी शंका और आशंका दूर हो गई है ये भारतीय भाषाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और उस बच्चे को विकसित होने की दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार वाली शिक्षा नीति है ये जो शिक्षा नीति है ये अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाने वाली शिक्षा नीति है और इसमें सभी को समाया हुआ है मेरा छात्र पूरी ताकत के साथ अपने जो खुला मैदान है उसमें दौड़ सकेगा और ये शिक्षा नीति उसी प्रवेश को लेकर के आई है और आपको अच्छा लगेगा देश ने इसका बहुत व्यापक समर्थन किया है पूरे देश ने एकजुट एक स्वर एक में इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है मैं उनका भी सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ और मैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ देश के सभी लोगों को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ये परिचायक है और निश्चित रूप में जमीन पर हम जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करेंगे डॉक्टर निशांक, वेन विल अंडर ग्रेजुएट डिग्री मेड फोर इयर्स? देखिए स्नातक की डिग्री चार वर्ष हम लोगों ने तीन वर्ष भी हो सकता है स्नातक की डिग्री चार वर्ष भी स्नातक की डिग्री हो सकता है लेकिन जो चार वर्ष स्नातक की डिग्री करेगा वो फिर एम फिल न करने के बाद सीधे आ, वो आ, वो पी कर सकता है आ, जो चार वर्ष की जो डिग्री है आ, तीन वर्ष की डिग्री वाला आ, वो फिर नहीं कर सकता है वो पीएचडी तो तीन वर्ष की भी डिग्री है चार वर्ष की भी डिग्री है और मैं ये समझता हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने ये किया है हमने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि छात्र को बिल्कुल राजा बन करके के काम करेगा जैसा वो चाहेगा वैसे उसको बिल्कुल छूट दे दी है विषयों के चयन पर छूट दे दी है हमने उसको कोई भी विषय ले सकता है वो विज्ञान के साथ वो साहित्य का ले सकता है वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत का ले सकता है जो उसकी इच्छा है उस विषय को लेगा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इतना ही नहीं तो पहले क्या होता था कि मानो तीन वर्ष की कोई डिग्री कोर्स कर रहा है और उसके बाद या इंजीनियरिंग कर रहा है आठ सेमेस्टर के इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है और चार सेमेस्टर के बाद उसको प्रस्तुति वश है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है या तीन वर्ष के बाद एक ही वर्ष में या दो वर्ष में छोड़ना पड़ रहा है तो वो जितनी उसकी पढ़ाई होती थी वो भी बेकार हो जाती थी अब नहीं होगा ऐसा अब हम लोगों ने एक डिजी लॉकर्स में एक ऐसा क्रेडिट बैंक बना रहे हैं जिस क्रेडिट बैंक में उसके सारी चीज़ें एकत्रित रहेंगी उसका अपना वो बैंक होगा और उसकी क्रेडिट के आधार पर यदि वो एक वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसको हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं दो वर्ष में जा रहा है तो उसको डिप्लोमा दे सकते हैं और तीन वर्ष के अंदर जा रहे हैं तो उसको डिग्री दे सकते हैं और इतना ही नहीं यदि वो फिर वापस आ रहा है तो जहाँ से उसने छोड़ा है वहीं पर वो अपने क्रेडिट के आधार पर उसको आगे बढ़ा सकता है इतनी बड़ी छूट शायद छात्र को कभी सोचा भी नहीं होगा इसलिए आज जो छात्र चाहेगा पहले थोपा जाता था छात्र पर अब छात्र स्वयं अपना निर्णय अपना फैसला अपने भाग्य का फैसला वो अपने आप करेगा तो मैं सोचता हूँ ये आमूल चूल परिवर्तन हम नई शिक्षा नीति में लेकर के आए ऐसे बात है ये कि व्हाट आर द वोकेशनल ऑप्शन टू बी ऑफर्ड फ्रॉम क्लास सिक्स छः साल के बाद जब बच्चा पढ़ेगा तो क्या करेगा देखिए पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे आप स्कूली शिक्षा में हमारे एन है हम विशेषज्ञों की टीम है जो टारगेट हैं हमारे कि चाहे वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में हम तकनीकी किस क्षेत्र में किस क्लास के लिए क्या बनेगा विशेषज्ञों की टीम बनेगी आपको मालूम है कि ये दुनिया का पहला देश होगा आ, जो स्कूली शिक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पढ़ाएगा छोटी बात नहीं है हमने इस समय कक्षा छः से ही वोकेशनल उसको शुरू कर रहे हैं और वो भी इंटर्नशिप के साथ शुरू कर रहे हैं ताकि उसका ऐसा स्किल जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो एक ऐसा स्किल लेकर के जाएगा खड़ा रहेगा जब उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा बहुत आमूल चूल परिवर्तन है स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक और इनको पाठ्यक्रम के हिसाब से विशेषज्ञों के अलग अलग टीमें बन गई हैं बन रही हैं हम तेज़ी से इसको उसको उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे मंत्री जी हैज द एम फिल बीन स्क्रैप्ड इसका फायदा क्या होगा नहीं एम फिल को बताए ना कि यदि उसको पी करनी है तो चार चार वर्ष को उसके लिए तो अच्छा है फिर चार वर्ष के बाद वो सीधे आ, आ, वो पी करता है तो एक वर्ष का उसका एम फिल वैसे ही बच जाता है इसका मतलब ये है कि जिसको पी करनी है वो पहले से ही तैयार है तो उसका रास्ता वैसे ही चार वर्ष का तैयार होगा जिसको पीएचडी नहीं करनी है फिर कुछ नहीं तीन साल की डिग्री मिली चलो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कुछ शोध ही करने के रास्ते पर ये जो आधा अधूरा मन है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा जब उसको मालूम है कि उसको पीएचडी करनी है शोध और अनुसंधान करना है तो वो चार वर्ष का वो डिग्री कोर्स को लेगा और हम भी मन से तैयार रहेगा और वो भी मन से तैयार रहेगा ये अनुसंधान की संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये बड़ा निर्णय हुआ है और भी सवाल उठते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाई हैज देर बीन नो री लुक एट द मोस्ट अर्जेंट एरिया ऑफ एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन विच नीड्स एन अर्जेंट रिफॉर्म टू डबल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड ट्रिपल नंबर ऑफ नर्स आपने देखा होगा कोविड में हर चीज की शॉर्टेज थी इतने सारे नर्सेज चाहिए इतने सारे डॉक्टर चाहिए उसका ऊपर कोई एजुकेशन को आपने निकाल दिया पॉलिसी से वाय आप, आपको मालूम है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही देखे उन्होंने जब नए भारत के निर्माण की बात की और कैसा भारत स्वच्छ भारत उसके बाद स्वस्थ भारत समृद्ध भारत सशक्त भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत आत्मनिर्भर भारत ये है इन सब का रास्ता इन सभी से होकर के गुजरता है आपको मालूम है कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कितने एम्स और अब तो कितने आ, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और हर लोकसभा तक एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है तो आप ये नहीं कह सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस ढंग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उस क्षेत्र में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी Uh, उपलब्धि एक बड़ा उदाहरण है तो उस दिशा में गवर्नमेंट बहुत सजग है और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है हाउ डू प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बाई फॉरन प्लेयर्स अब लिबरल हो गए उदारवादी हो गए वो पैसा बनाने आएंगे कैसे प्रिवेंट करेंगे उनको आप डॉक्टर साहब देखिए हम विदेशी शिक्षण संस्थानों का जो व्यावसायिकीकरण है अभी जब हम ये लेकर के आए हैं कि दुनिया के शीर्ष जो विश्वविद्यालय वो हिंदुस्तान की धरती पर आ सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि साढ़े सात से आठ लाख तक बच्चा विदेश में जाता है वो हम यहाँ रोकना चाहते हैं लेकिन हमारी भी विश्वविद्यालय दुनिया की धरती पर होंगे जो दुनिया की विश्वविद्यालय शीर्ष विश्वविद्यालय हमारी धरती पर आएंगे वो हमारे साथ अनुबंधों के साथ आएंगे हमारे ऐसे अनुबंध होंगे जहाँ वह व्यावसायिकीकरण नहीं करेगा और हमने उच्च शिक्षा को आपने अपने शिक्षा नीति में देखा होगा कि हमने कहा है हम शिक्षा का व्यावसायिकीकरण नहीं करेंगे नहीं होने देंगे बहुत स्पष्ट है तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये बेकार के सवाल हैं हम व्यावसायिकीकरण नहीं होने देंगे शिक्षा का और शिक्षा को जो शिक्षा देना चाहते हैं जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग आना चाहते हैं उनका भी हम अभिनंदन करेंगे और उनको हमने ये छूट ज़रूर दी है कि जो उस शिक्षण संस्थान से यदि उनकी कोई बचत होती है तो वो किसी भी शिक्षण क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं वो किसी मेडिकल कॉलेज को बनाएँ वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाएँ उसका विस्तार करें वो ये ये उनको कहा गया है तो ये व्यावसायिकीकरण तो नहीं हो सकता और इसलिए हम उसके व्यावसायिकी शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के शख्त खिलाफ़ हैं तो इसलिए दुनिया के जो विश्वविद्यालय भी यदि हमारी यहाँ आते हैं तो वो क्या होगा कौन से पाठ्यक्रम वो अचानक नहीं आएंगे और वो अपनी शर्तों पर नहीं आएंगे वो हमारी भी शर्त रहेंगी इसलिए घबराने की कोई बात नहीं बड़े फलक पर हम काम कर रहे हैं हम विश्व के विश्व स्तरीय शिक्षा को लेकर के आए हैं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी तकनीकी हर क्षेत्र में हम विश्व की प्रतिस्पर्धा करेंगे और इसलिए वो भी विश्वविद्यालय यदि आते हैं तो मेरे छात्रों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा में हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे धन्यवाद डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए आपने हमारे साथ सच्ची बात की ई एकस, एक्सप्रेशन में बिना डर के आपने अपने एक्सप्रेशन व्यक्त किए बहुत बहुत धन्यवाद